अपराजिता। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है। विधाता को कोस कर नहीं, उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हीलचेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से ही व्हीलचेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ, कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया, लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ में कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। उसे विच्छिन्न भुजा के साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांसपिंड मात्र, सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं, बुद्धिदीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण उत्कृष्ट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से ये पूछकर बताएंगी कि क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में है, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है? यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कठंगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है, और इधर ये लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है। आजकल वह आईआईटी मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बनाकर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। ये देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी, किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में,
हमने आज तक दो व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो ये डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसे कठिन साधना की, और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से ये नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर ये इधर उधर देख भर सकती थी, न हाथों में गति थी न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। एक वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही उसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जीवाग्र पर बैठ गई थी। बैंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हीलचेयर कौन पूरे क्लास में घुमाता फिरेगा। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। मैं पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। बीएससी किया प्राणी शास्त्र में, एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बैंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वेनिया से व्हीलचेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरे प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट से कठिन जिरह बख्तर में कसी उस हसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता है। क्षत विक्षत शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा। मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें? मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आईं। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही उसकी कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हों, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स म्यूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय और पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हीलचेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मैरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी।
किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे ये कहने में रंज मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जेसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार को ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी, अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरों की दो जगमगाती लौंगों, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्पवीणी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल देता है।